Hello, Satyan sir. Hello, Niranjan boy. You have been a sponsor in the event, yes. And also you have owning a stall in this event. So, what's your overall experience, sir? It's an excellent family event. Yeah, I would say a discussed member family event. And also, I didn't expect this much of crowd. Since this is happening for the first time in India, I thought of now like there will be like very less crowd, and it might be we may expect any of the people's coming on the next side next time. But it's beyond my expectation that no, there are too much of people's and good sales over there, and we got connected with many people like whom we are connected in the phone, WhatsApp. Now I got a chance to connect with them, to mingle with them, and share their experience and knowledge. Yes. That really helped us a lot. We gained a lot of knowledge. At the same time, we know each other in terms of what products they are selling, what quality fish they have. You know, that's a great deal, I would say. It's thanks to entire organizing committee member, especially to you, who are putting all your efforts from the day one. Thanks for all the help. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Hi, Ranjan bhai. Hello. How are you? I'm fine, sir. हमारा इधर इंस्टॉल था ये मट का डिस्कस फ्रिज का, इधर हमने डिस्कस फ्रिज लाया था सेल के लिए। अभी का हमारा पैकअप हो रहा है, अभी हम उनसे ग्रैंड चैंपियन का ट्रॉफी मिलेगा वो देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये लाइव फिश का स्टॉक था। हाँ, ये लाइव फिश का डिस्कस फ्रिज था। और सर यहाँ पे, और यहाँ पे अपना ड्राई आइटम्स था, स्पंज फिल्टर्स, नेट्स, वो सब अपना आइटम था ड्राई में जो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हेलो अमर भाई। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर। तो क्या आपका भी स्टॉल है इसमें ए मार्ट का स्टॉल है इधर? हाँ। तो अभी ये स्पंज फिल्टर है, ड्राई आइटम के बहुत प्रोडक्ट्स आए हैं हमारे पास। हाँ। इम्पोर्ट किए हैं लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटीज में ऑल ओवर इंडिया भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो दिस इज 180 सीरीज, 280, 380 अवेलेबल है। सब लाइक फिल्टर्स है, सब लिमिटेड स्टॉक फिल्टर्स है, 2011 करके। फिर और भी साइपेट पम्प्स है, फिर अपना फिल्टर्स है, और यही थोड़ा बहुत है हमारे पास। और चाहिए रहेगा तो बोलिए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था कंपटीशन का? कंपटीशन वाज अमेजिंग। आई हैव नॉट सीन एनी कंपटीशन लाइक दिस ऑन दिस स्केल। डिस्कस के लिए ये इंटरनेशनल मार्केट अभी अवेलेबल हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में भी। एमआरट भी एक्सपोर्ट करना चालू करने वाला है, तो वी विल हैव अ ग्रेट मार्केट। इंडियन मार्केट, फिश मार्केट विल ग्रो नाउ दिस। आफ्टर दिस कॉम्पिटिशन यू विल सी अ amount of fishes coming in India, yes, and sir. Going out of India will be the thing. Thank you so much, sir. I think participation hi ekdam winner jaisa lag raha hai. I'm telling you, 150 discus ke beach 3 din bitana I think has been the most luckiest experience of mine. मतलब ऐसा एकदम दिल खुश हो गया मेरा। एक एक डिस्कस के साथ इतना इंटरेक्ट किया है, मतलब मेरे को इंसानों से ज़्यादा अच्छे अब डिस्कस लगते हैं। एंड आई हैव बीन अ ब्रीडर एंड अ हॉबिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ आई एम अ सेलर, आई हैव अ शॉप इन पुणे। बट शॉपकीपर बनने के बाद भी मैंने शायद इतने प्यारे डिस्कस अंडर वन रूफ मेरे लाइफ में कभी भी नहीं देखा। वी ऑल्सो होल सेल इन डिस्कस, तो वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कस। 1,000-1,500 मछली अभी भी खड़ा होगा एक्चुअली पे। बट ये जो कॉम्पिटिशन का जो लेवल रहा है, आई थिंक इंडिया हैज़ वन। मतलब आई कीप फॉलोइंग कॉन्टेस्ट अब्रॉड ऑल्सो। 150 डिस्कस, द वाटर क्वालिटी, द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ पार्टिसिपेंट्स थरली एन्जॉयड इट, एंड हॉबीज ऑफकोर्स विजिटर्स भी। You can see everyone has a smile on their face. Yes, sir. It has been a major success. I would like to thank the organizers सबसे पहले। Easy नहीं होता, और दो महीने में इस level का competition करना takes a lot of planning and proper execution. And ये अगर लोग अपने दिल से आगे ना आए तो possible नहीं। And I would also like to congratulate every participant. क्या high standard था इस competition का, ये I think सबको मालूम। Like every fish was a prize winner for me. 19-20 मतलब हर फिश को उंगली रखो, अरे इसको प्राइस क्यों नहीं मिला, ऐसी बात कर रहे लोग। सो आई थिंक दैट्स इट। और क्या बोल रहे, इट वॉज एन ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। Thank you.
हेलो अंकुश सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। आप गोवा से स्पेशली ये शो देखने के लिए आए और अभी वापस रिटर्न जा गए, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था सर? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो ये जैसा आपने बोला था कि एकदम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो रहेगा ही रहेगा, बट मुझे लगता है कि इस शो की वजह से जो नॉलेज और जो हमको देखने को फिश का क्वालिटी और कैटेगरी मिला, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कहीं दूसरी जगह पे जाके मिल सकता था। बहुत ही हाई क्वालिटी का शो हुआ है एंड इट्स बीन माय प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हेलो अल्बर्ट सर। नंबर है ना? Hi Niranjan. Hi. Like always, you want to capture something or the other. नहीं, आपसे मिलने का मौका भी कम मिलता है सर। So I know. जैसे अनिल सर ने भी बताया अभी कि आप वर्किंग कमिटी को काफी हेल्प किया है, लेकिन आप कभी शो में नहीं थे। आई नो, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज प्रॉब्लम ऐसा है कि आई कुडंट जस्टिफाई माई रोल देयर। ऐसा नहीं कि कोई एक पोजिशन ले या ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में बोले आप काम करने वाले, फिर दिखाई नहीं दे तो अच्छा नहीं रहता। आई हैव माई ओन इश्यूज बैक माई हैचरीज बिकॉज आई एम ऑल्सो डेवलपिंग न्यू थिंग्स दैट आर हैपनिंग, तो वो सबसे ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या मेरा टीम wants be along with them over there, and that's how I couldn't contribute my time, but it was a wonderful show. It was one of its kind, and I would suggest that everybody, you know, should look at all the positive things that happened and, you know, leave the negatives aside, because in the best of places, in the best of you know, events, there's always something that goes wrong, you know, and I think we should just overlook those things and move ahead. I understand now Discus Club of India will get registered, you know, it will be a super thing, you know, as you see the Asian countries are now developing Discus actually to sell it to India, you know, because India is the market today. So, you know, it is very, very important that we really look at, you know, developing some good Discus together, you know, as a team, and work cooperatively and move things ahead. All the best to Discus Club of India and the organizing committee. Thank you. Hello Amar sir. Hi Niranjan. Sir, आज fifth है, आज event का last day, और आज सुबह आप मुझे पता है कि आप wildlife photography करने MP गए थे, और सुबह morning 8 बजे से आप इधर गए, तो सर कैसे overall experience क्या था सर आपका? Overall experience अच्छा था निरंजन, जो जाने के पहले काम दिया था मेरे से, मैंने पूरा 100% कोशिश किया उसको करने का, और जो भी किया उसको हैंड ओवर करके मैं निकल गया। आने के बाद में यहाँ जो कंपटीशन में लोगों का जो एक व्हाट यू कॉल्ड इट, एंथुजियाज्म था और इंटरेस्ट था, जो लेवल से यहाँ पे लोग आए पार्टिसिपेट किए, विनर्स को चीयरअप किया, तो उस हिसाब से ऐसे लगता है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, बट दिस टाइम वी हैव कीप द माइलस्टोन एज अ वर्किंग कमिटी। हम लोग ने एक ही ये सोच के रखा था कि ये आज एक कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं, और वो होने के बाद में ऐसा लग रहा है ना कि ये और थोड़ा दिन चलना चाहिए था, बट अभी जितना सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा उतना हम लोग और ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम कमिटी कोई और होगा, हमारा सपोर्ट ऑलवेज उनके लिए जैसा का है वैसा ही रहेगा। श्री श्री श्रीगा मातवलने सर, द जज फॉर द इवेंट। एक मिनट सर, काय बोलू? बोला काय पण बोला, काय बोलू सर? नाही, आपला एक्झिबिशन कम कॉम्पिटिशन तो जोरदारच झालं, आणि आय वॉज व्हेरी हॅपी की ज्या व्हरायटीज आज डिस्प्लेला होत्या, ज्या कॉम्पिटिशनमध्ये उतरल्या होत्या, नो डाऊट काही काही इम्पोर्टेड बाहेरनं आणलेले पीसेस पण होते, पण आपल्या बॉम्बेतले जे वाढलेले पीसेस होते, बॉम्बेत त्या लोकल ब्रीडर्सने जे वाढवलेले होते किंवा लोकल ब्रीडरने ब्रीड करून नवीन व्हरायटी, म्हणजे शेवटी मतितार्थ कसा राहतो की आपल्याकडे पण बॉम्बेमध्ये टॅलेंट आहे, महाराष्ट्रात टॅलेंट आहे, आपण उगाच नुसतं बोलायचं म्हणून जय महाराष्ट्र बोलतो अशातला भाग नाही, पण आपल्याकडे पण टॅलेंट आहे। फक्त एक इंग्लिशमध्ये म्हण जशी आहे की देअर शुड बी मेथड टू द मॅडनेस, तसं प्रत्येक आपल्या लोकांना थोडं जरा गायडन्स,
थोडं हे आणि ते सहज आज फेसबुकमुळे जग छोटं झालं आहे. त्यामुळे जी लोकं सांगणारी आहेत जी लोकं न सांगणारी आहेत नॅचरल आहे. जो माझा शेजारी असेल तो म्हणेल माझी तुळस कशी वाढते ते मी तुला सांगणार नाही, पण दुसऱ्या बिल्डिंगीत राहणार आहे तो निश्चित सांगेल की अरे थोडं ताक घालत जा त्याला किंवा थोडं तुरटी घालत जा. या गोष्टी आपल्याला पण माहीत पडणारच आहेत. दॅट विल सेव्ह अवर टाईम आणि नॉलेज शेअरिंग जेवढं होईल जेवढं आपलं इंटरॅक्शन होत राहील. एका वेळेस समजा एका ग्रुपमध्ये आपण 20 जण आहोत तर एक प्रयोग जो आहे तो 20 जणांकडे एका वेळेस होणार आहे किंवा 20 डिफरंट मेथड्स आपल्याकडे तयार होणार आहेत. दॅट विल सेव्ह अवर टाईम आणि निश्चितच सगळ्यांनाच याचा फायदा होणार आहे. निश्चितच आपण बाहेर एक्सपोर्टचं मी इतक्यात काही बोलत नाही कारण आपलं लोकल मार्केट पण भरपूर स्ट्रॉंग आहे. लोकल मार्केटला पण भरपूर डिमांड आहे त्यामुळे काहीही प्रॉब्लेम नाही. आज आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात सुरू करणार आम्ही साळवी पण आहेतच तिथे मोठ्या प्रमाणात जात आहेत. अजून असे 2-4 ब्रीडर्स आहेत. या लोकांना पण छोटा माल रेझिंग करता लागणारच आहे त्यामुळे भरपूर स्कोप आहे. धन्यवाद. थँक्यू निरंजन जी. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एक चीज ये बताना चाहूंगा कि एक टारगेट लेके हम लोग चले थे. उसमें गिले शिकवे तो होते ही है बराबर. बट कैसा है निरंजन कि एक टारगेट ये था ये टाइम का कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का नाम ये लेवल तक लेके आना. सही बोले. जो आज हुआ है बाहर के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके, बाहर के जो डिस्कस को जो जजेस है यहाँ पे आके डिस्कस को जज कर चुके. सो ये जो चीज़ है ना ये जो हुई है आज ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बिल्कुल. किसी इंडिविजुअल का नहीं है सबका है. अगेन मैं यही बोलूँगा कि कमिटी मेंबर हम लोग काम कर रहे थे, अगर बाकी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता तो ये कॉम्पिटिशन होना इम्पॉसिबल था. सही बोले. सो जो भी पार्टिसिपेंट है वो उनको भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. सो आज पब्लिक ने वो बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट वो कलेक्ट नहीं किया. सो डू कलेक्ट दैट सर्टिफिकेट. श्योर सर. ओवरऑल डिस्कस शो अच्छा था. गुड क्वालिटी डिस्कस. इम्प्रूवमेंट हर जगह पे दिखाई दे रही है, हर एक में दिखाई दे रही है. हर एक का काम अभी एक लेवल तक आ गया. बहुत सारे इंडियन ब्रीडर्स के भी जो डिस्कस थे वो इंटरनेशनल डिस्कस के कंपटीशन में कॉम्पीट कर रहे थे. बराबर. और थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिससे और भी वो काम उनका दिखे और नेक्स्ट ईयर में भी टाइटल्स ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के ही मेड इन इंडिया वाले डिस्कस जो है वो जीत ले. सही है, सही. जैसा आज चंद्रकिरण ने जीता, अनिल ने जीता, गिरी ने जीता. सो आई एम हैप्पी अबाउट गिरी दैट उसका डिस्कस इंडिया में ही ब्रीड हुआ था. बिल्कुल. और यह मतलब ऑलमोस्ट उसने थंबनेल 1 इंच से रेज किया उसने. टाइटल भी उसी ने जीता. वेरी शॉर्ट नोटिस पे ये डिस्कस कंपटीशन डिक्लेयर हुआ था. अभी यहाँ से नेक्स्ट ईयर जब भी होगा तो आज से ही लोग पर्टिकुलरली उसके पीछे रेडी रहेंगे कि मेरे को नेक्स्ट ईयर अगर कंपटीशन में उतारना है तो मैं कैसा मेरा फिश उतारूं. सही है. सो ये आइडिया उनके पास आ गया. सो नेक्स्ट ईयर होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो इमरान भाई, सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम निरंजन भाई, कैसे हो? सब ठीक है सर. आपने भी काफ़ी कवरेज किया है ये ग्रैंड इवेंट को. यस यस. ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था सर? मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मैं फर्स्ट टाइम कोई फिश के इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया. आई डिड नॉट पार्टिसिपेट. पार्टिसिपेशन वॉज लाइक अटेंडिंग एज एन ऑडियंस. ओके. एंड इट वॉज आई मीन अनबिलीवेबल. मतलब आने के बाद आई फेल्ट आई मीन that 300 rupees which we paid as an audience has actually given me a lot of returns. Because यहाँ पर आने के बाद actually industry पता चली है कि ये industry how does industry actually function. And secondly this is the place I feel where we get an opportunity to network each other, to know each other as an hobbyist. And there are various people into hobbies like razor and breeders and also all the brands.
So I see this platform which should not be missed at all. पहले बहुत बार मिस कर दी है. सो आई हैव डिसाइडेड आई नेवर मिस दिस काइंड ऑफ शो सो दैट वी नेटवर्क ईच अदर बेसिकली. एंड ऑफ कोर्स वी हैव ब्यूटिफुल जजेस विच केम अक्रॉस फ्रॉम इंटरनेशनल विच केम फ्रॉम टर्की एंड सिंगापुर. सो दोज पीपल उनके पास से हमको जो सीखने मिला द नॉलेज व्हाट वी गेन वॉज अनबिलीवेबल. सो आई थिंक this event was awesome and it was a mega event which has set a benchmark into India, and I think from here the discus hobby would be at another level. Yes sir, yes. Thank you so much sir. Thank you.